So, दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी कॉफी शॉप में जाते हैं लाइक स्टारबक्स या फिर ब्लू टोकाई या फिर कैफे कॉफी डे, इन सब जगहों पे जाके अगर आप एक कप कॉफी ऑर्डर करें तो आपका एवरेज प्राइस कॉफी का क्या होगा? आई बेट इट्स गोइंग टू बी अराउंड एटलीस्ट 150 to 400-500 rupees. तो आई ऑफन वंडर हम लोग कॉफी पे कॉफी शॉप जाके इतना स्पेंड करते हैं, जबकि हम लोग घर पे भी बहुत ही यमी डिलिशियस कॉफी खुद से बना सकते हैं विद सम वेरी बेसिक सिंपल इंग्रेडिएंट्स. एंड ऑफकोर्स इफ यू हैव अ कॉफी मशीन इवन बेटर, क्योंकि उससे बहुत ही टेस्टी कॉफी बनती है. आई परचेज दिस कॉफी मशीन द यूरोपा एस्प्रेसो बाय मॉर्फी रिचर्ड्स अबाउट अ ईयर बैक. तो अभी क्योंकि एक साल हो गया, आई थॉट लेट मी गिव यू अ रिव्यू ऑफ इट कि एक साल से कॉफी मशीन मेरे को कैसे ट्रीट कर रही है. एम आई गेटिंग गुड कॉफी आउट ऑफ इट? इज इट डूइंग इट्स जॉब? एंड इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग इन अ कॉफी मशीन और नॉट? सो टुडेस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट अ रिव्यू एंड ऑल्सो आई विल टीच यू हाउ टू यूज अ कॉफी मशीन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस मशीन एंड द अपीयरेंस ऑफ इट, सो सी द थिंग इज कि इट लुक्स लाइक एनी स्टैंडर्ड कॉफी मशीन. ऑब्वियसली काफी कॉफी मशीन का यूजली ऐसा ही आकार होता है, स्पेशली जो होम मशीन्स होती हैं. बट इट डज लुक क्वाइट स्टाइलिश इन द सेंस कि अगर आप अपने किचन के काउंटर पे रखेंगे तो अच्छी दिखती है. ऐसे लोग पूछते हैं कि अरे ये किस चीज़ की मशीन है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें क्या क्या है? इसमें एक जगह है जहाँ से आप पानी डाल सकते हैं, और फिर यहाँ पे एक स्लाइडर सा है. मैं बताऊंगी जल्दी इस स्लाइडर का क्या पर्पज़ है. यहाँ पे कॉफी फ्रॉथिंग के लिए एक एक्सटेंशन है, सॉरी मिल्क फ्रॉथिंग के लिए एक एक्सटेंशन है. एंड यहाँ पे एक ड्रिप ट्रे है जिसके ऊपर आप कप रख सकते हैं अपने कॉफी का, एंड इसके अंदर कॉफी आती है, और अगर कॉफी थोड़ी सी एक्स्ट्रा गिर गई तो वो नीचे ट्रे में ड्रिप हो जाती है. द ओनली प्रॉब्लम इज कि मेरी मशीन अभी एक साल पुरानी हो गई है. टॉकिंग ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी, इसमें एक छोटा सा क्रैक आ गया है. आई हैव नो आइडिया कि ये क्रैक कैसे आया, कब आया, क्यों आया, बट आ गया. सो कोई बात नहीं, आई मीन थिंग्स डू गेट स्पॉइल्ड एंड समटाइम्स वेयर एंड टेयर हैपेंस, सो इट्स ओके. एक और चीज़ वर्थ नोटिसिंग इज कि इसके जो ड्रिप ट्रे के ऊपर की ट्रे है इसमें भी एक छोटा सा डेंट आ गया है. लाइक आई मेंशन ऑलरेडी, वेयर एंड टेयर थोड़ा थोड़ा तो हो गया ही. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये ट्रे बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाती है इसके अंदर. And it also gets locked. Ideally, before making your coffee, you should make sure that this tray is locked. और ये एक slider है जिससे आप decide कर सकते हैं कि आपकी coffee की strength क्या होगी. If you want a very bitter coffee, बहुत ही strong coffee, तो you should keep the slider somewhere over here. Ideally. But if you want light coffee, mild coffee, तो आप slider को इस side कर सकते हैं. मुझे slider का function बहुत late समझ में आया था in my coffee making journey. But अब जो समझ में आ गया है तो I always keep it on the strongest slider point because मुझे strong बिटर कॉफी, ब्लैक कॉफी एकदम अच्छी लगती है. बट अगर आपको स्टीम पे स्विच करना है बिकॉज इस मशीन में फ्रॉथिंग भी हो सकती है, तो आप यहाँ से स्टीम पे भी स्विच कर सकते हैं. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द होल कॉफी मेकिंग प्रोसेस. इन द कॉफी मेकिंग प्रोसेस देयर आर अ फ्यू मोर पार्ट्स दैट यू शुड नो ऑफ. वन इज दिस पार्ट. ओके, इस पार्ट को क्या बोलते हैं ये मुझे किसी बरिस्ता से पूछना पड़ेगा. बेसिकली दिस इज द प्लेस वेयर द कॉफी गोज. आप कोई भी कॉफी शॉप से कोई भी रिटेल कॉफी का पैक ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस. नाउ द कॉफी दैट आई एम यूजिंग ओवर हियर इज अ मीडियम रोस्ट एंड इट्स एन अरेबिका कॉफी. मैंने बहुत पहले कॉफी के ऊपर वीडियो की थी टाइप्स ऑफ कॉफी के बारे में. सो इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द रोस्ट एंड द टाइप ऑफ कॉफी, ब्लेंड ऑफ कॉफी, आप वो वीडियो देख सकते हैं. बट आई यूजली यूज अ वेरी वेरी फाइन कॉफी पाउडर एंड आई जस्ट बाई रिटेल packs out of coffee shops or even get them delivered at home, क्योंकि Zomato, Swiggy, side delivery apps पे coffee shop से delivery आ जाती है. So this is the place where the coffee is going to be. आप देख सकते हैं जैसे कि एक छन्नी जैसा है. Okay, so this is like a little bit of a छन्नी. इसके अंदर जाएगी coffee और ये coffee जाएगा इस पॉट के अंदर. एंड इस पॉट को आपने बहुत सारे बरिस्ता शॉप्स में देखा होगा, ऐसे पार्ट्स यूज होते हैं कॉफी मशीन में. दिस इज सिमिलर टू दैट. एंड वंस द कॉफी इज इनसाइड, आपको बस इसे पार्ट को फिक्स करके ऊपर इसे रोटेट करना होता है ताकि ये बिल्कुल एयर सील हो जाए. एंड वन मिस्टेक दैट आई प्रीटी ऑफन मेड इज ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से पानी डलता है, एंड मैं कई बार इसे अच्छे से सील नहीं करती और कॉफी बनती नहीं है बिकॉज यहाँ से सारी स्टीम रिलीज हो जाती है. सो बेसिकली यू हैव टू कीप एवरीथिंग वेरी टाइट, वेरी वेरी एयर टाइट, सो दैट द कॉफी मेकिंग प्रोसेस हैपन्स विद नो प्रॉब्लम. सो विद दिस ओनली लेट्स गेट स्टार्टेड विद मेकिंग आवर कॉफी. एक पार्ट जो मैंने अभी नहीं बताया आपको वो है ये मेजरिंग कप. इस मेजरिंग कप से आप बेसिकली देख सकते हैं कि आपको कितनी शॉर्ट कॉफीज चाहिए हैं. ये मशीन जो है 4 शॉर्ट कॉफीज जनरेट करती है. सो यू विल बेसिकली गेट 1, 2, 3, 4 डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वाटर यू एड एंड हाउ मच कॉफी यू एड. इसके अंदर भी, इस कप के अंदर भी एक मेजर है. So you can see that 2 and 4 is written inside. You can add coffee inside it based on how many shots you need. अभी मैं actually 3 shots बनाने जा रही हूँ because I have housemates also currently with me. And the last and but not the least,
The most important part of this whole machine is this coffee spoon. अगर ये coffee spoon आपने घुमा दी ना तो आपको चम्मच यूज़ करनी पड़ेगी. And चम्मच is very inconvenient in holding coffee because this is like a perfect spherical, semi-spherical cup. So you need something like this for holding your coffee. So देख सकते हैं आप जैसे कि measure के हिसाब से ये almost 4 और 2 के बीच में है. अब मैं इसे press करूँगी अच्छे से tightly so that our coffee becomes nice and kadak. Not because of the pressing, of course. Pressing is just important to the whole coffee making process. मैंने यहाँ पे एक tissue paper रखा था just so that my coffee does not fall on the table. Right now while we're talking about coffee, let me also tell you the price of coffee. So मैंने जैसे आपको इस video के शुरू में बोला था ना कि 1 cup of coffee in a coffee shop is probably going to be a little expensive. But if you buy these retail packs, this one that I have over here is actually around 400 rupees. एंड अगर आप किसी बहुत ही प्रीमियम कॉफ़ी शॉप से लेंगे जैसे कि स्टारबक्स से तो वो कॉफ़ी थोड़ी सी और ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी. इट्स गोइंग टू बी 700 फॉर अ पैकेट लाइक दिस विच इज़ अबाउट दिस इज़ आई थिंक 250 grams. एंड 250 grams ऑफ कॉफ़ी एट स्टारबक्स इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी लाइक 700 rupees. और जो अब हमारी कॉफ़ी डल चुकी है इस पॉट के अंदर और मैंने उसे अच्छे से टाइट कर दिया है एकदम. एंड नाउ वील गो ओवर एंड सील दिस एरिया into our coffee machine. मैंने यहाँ पे already 3 shots के हिसाब से पानी लिया हुआ है in this measuring cup. 1, 2, 3 and we are going to pour this water from the top. And इसका ढक्कन इस्तेमाल करके आप इसे अच्छे से seal करिए and make sure that this is extremely tight. Otherwise your coffee is going to fizzle out. And also when the water is hot, once you turn on the machine, please don't ever open this part or this part because यहाँ पर बहुत अंदर high pressure बन जाता है and अगर आप इन parts को खोलने की कोशिश करेंगे it might lead to an accident. So please be very very careful when you're using this machine. इसके ऊपर लिखा भी हुआ है warning. With this I'm going to turn on the coffee machine. I'm going to keep this pot over here, coffee pot. So यहाँ पर साइड में button है, जैसे आप button को on करेंगे यहाँ पर पानी गर्म होगा and गर्म पानी थोड़ी देर में coffee के pot में जाएगा एंड यहाँ पे कॉफ़ी शॉट्स आनी शुरू हो जाएंगी. हम लोग इसे स्टीम पे शिफ्ट करेंगे बच्चे कुचे पानी को एंड देन वील फ्रॉथ आर मिल्क. सो द थिंग इज गाइज, आई नॉर्मली ड्रिंक रियली बिटर ब्लैक कॉफ़ी विच इज़ वाई मेकिंग अ शॉट ऑफ कॉफ़ी इज़ यूजली इनफ फॉर मी. मैं बस इस शॉट को पोर करती हूँ एक मग में, उसमें गर्म पानी या फिर कोल्ड आइस मिलाती हूँ वेदर डिपेंडिंग ऑन द वेदर वेदर आई एम क्रेविंग लाइक आइस्ड कॉफ़ी और प्रॉपर हॉट कॉफ़ी. So that usually suffices, but today because I'm giving a demonstration of this machine, I will also show you how the frother works. So over here, मैंने एक mug में थोड़ा सा milk लिया हुआ है, and I have switched the slider to steam. So now we are going to go ahead to the frother and try and froth this milk. This milk is straight out of the fridge, but इसमें आप बस basically steam डालेंगे, and it's going to give you some beautiful, good-looking froth that you can use over your coffee. So let me come over to the other side and just show you. How can you froth your milk? See, normally आपके पास ऐसी situations के लिए, like specially if you want to froth your milk, एक milk pot होना चाहिए suitable for making coffee. जैसे आप baristas में देखते हैं, baristas को देखते हैं, they froth milk and then they make nice decorations and all. So that is how they do it because उनका जो pot होता है, उसमें एक बहुत अच्छी सी ऐसे beautiful सा ऐसे triangular चोंच सी होती है. जिसकी वजह से मिल्क जब पोर करते हैं वो तो उससे डिज़ाइन बना पाते हैं. सो मैंने इस कॉफ़ी पॉट को बाहर निकाल दिया है बिकॉज वी गॉट आर 3 शॉट्स ऑफ कॉफ़ी. वाह यार, वेरी नाइस फ्रॉथी कॉफ़ी. इसके बहुत सारी फ्रॉथ आ रही है. आई थिंक दिस इज इनफ बिकॉज मिल्क बिल्कुल ऊपर टॉप तक आ चुका है. वैशाली, यू गोना हैव सम रियली नाइस फ्रॉथी कॉफी टुडे. और क्योंकि ये 800 वॉट की मशीन है, जब भी आप कॉफी बनाए प्लीज मेक श्योर दैट यू स्विच ऑफ द कॉफी मशीन. अदरवाइज यू आर जस्ट गोइंग टू एंड अप विद अ रियली बिग इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड इट्स ऑल्सो नॉट सेफ टू लीव योर मशीन ऑन. एंड नाउ दैट वी हैव ऑल ऑफ आर इन्ग्रीडियंट्स रेडी, आर फ्रॉथी मिल्क, आर कॉफी शॉर्ट्स एंड ऑल्सो एन एम्प्टी कप, लेट्स मेक सम रियली नाइस एंड ब्यूटिफुल फ्रॉथी कॉफी फॉर वैशाली. ओके चलो वैशाली, तुम्हारी फर्स्ट कॉफी एक्सपीरियंस होने वाली है ये. बोल दो एक बार कैमरा को, ये मेरा फर्स्ट टाइम है. ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे कॉफी पीते हुए. यहाँ पे नहीं, कॉफी मशीन की कॉफी पीते हुए. कॉफी मशीन की कॉफी पीते हुए. वन स्पून इज गुड. यप यप. और नहीं 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 नहीं. आर यू नॉट लाइक रितिका? नो. यू डोंट लाइक लॉट्स ऑफ शुगर? नो.
सो गाइज, आप यूजुअली कॉफी पॉट पे भी चीनी छोड़ सकते हैं अगर आपको चीनी कुछ ज्यादा ही पसंद है तो, बट बिकॉज आई ड्रिंक विदाउट शुगर इसलिए मैं इसमें नहीं छोड़ती चीनी. आई एड इट टू द कप डायरेक्टली एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुट वन शॉट ऑफ कॉफी आउट ऑफ दिस पॉट. सब बर्बाद, सब बर्बाद. गिरने वाला है टेबल तो प्लीज नो नो. ओके, द अपडेट ओवर हियर इज कि वी हैव अ टिश्यू पेपर सो दैट द टेबल डज नॉट गेट स्पॉइल्ड. अब देखो, कॉफी में काफी सारा दूध डल चुका है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट पिक अप सम ऑफ दिस फ्रॉथ एंड पुट इट ऑन टॉप ऑफ द कॉफी ताकि तुम्हारी कॉफी में ब्यूटीफुल ऊपर फ्रॉथ फ्रॉथ सा दिखे. माई फर्स्ट टाइम है कॉफी का तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फ्रॉथ तो होना ही चाहिए ना उसके ऊपर. लुकिंग गुड लाइक इट शुड. आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉफी? Amazing. Good. Are you saying that for the video or do you I'm actually not, like it? Yeah, I like it. चलो फिर मैं भी अपनी दिखा देती हूँ कि मेरी स्पेशल कॉफी में कुछ स्पेशल नहीं होता, सिर्फ गर्म पानी होता है या फिर बर्फ होती है. एंड टुडे आई फील लाइक बर्फ, इसलिए इसमें हम लोग थोड़ी सी बर्फ मिलाएंगे एंड वील हैव एन आइस्ड अमेरिकानो. लेट्स गो फॉर इट. ऑल राइट, सो हियर्स हाउ आई विल हैव माई कॉफी टुडे. आर यू रेडी? Yep. We'll straight away pour this shot of coffee. एक शॉट रितिका तुम्हारे लिए बचा रहे हैं, तुम अब टेस्ट करो अच्छे से. हाँ मिला लो, मिस्क कर लो. अच्छा चीनी अभी तक मिली नहीं आई थिंक, है ना? मिला लो. Cheers. Iced and hot coffee. I really like my iced coffee. I also love it. You know, मैंने अभी ऑफ कैमरा थोड़ी सी वैशाली की कॉफी टेस्ट करी एंड बिकॉज मैं चीनी के बिना लेती हूँ मुझे ये बहुत स्वीट लगी एंड इसमें कॉफी का ज्यादा टेस्ट नहीं आया. सो नाउ शी इज गोइंग टू ट्राई आउट माई कॉफी जस्ट टू गेट अ रियल टेस्ट ऑफ व्हाट दिस कॉफी इज लाइक. ट्राई. ओके, या दिस इज रियल कॉफी नाउ. इसमें बहुत चीनी है विच इज ओनली वन स्पून बट इट इज टू मच. डू यू नो मिल्क इज ऑल्सो नेचुरली स्वीटनिंग. अगर आप नॉर्मल मिल्क विदाउट एनी शुगर या कुछ पियोगे ना उसमें आपको हल्का सा मिठास का टेस्ट आएगा. सो मिल्क क्योंकि इसमें पूरा कप मिल्क है इसलिए शायद उसकी वजह से भी इट्स लुकिंग इट्स टेस्टिंग स्वीटर. बट ऑल इन ऑल व्हाट इज योर थॉट? आई थिंक आई एम गोइंग टू बाय अ कॉफी मशीन नाउ. नाइस ऐड. आई होप यू गाइस बैक एट होम आल्सो एंजॉयड द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉफी ऑन अ कॉफी मशीन. लेट मी गिव यू माय ऑनेस्ट फीडबैक ऑफ यूजिंग इट फॉर अ ईयर. सी, इट्स नॉट द फैंसीएस्ट और द मोस्ट एक्सपेंसिव और द मोस्ट बरिस्ता लाइक और कॉफी शॉप लाइक कॉफी मशीन. डेफिनेटली इट्स समथिंग मेंट फॉर होम यूज ओनली एंड फॉर योर डेली कॉफी विच doesn't even take too much space in your kitchen and I have always loved it aur main shayad aage bhi use karti rahungi with the even minor problems in it and jo chota mota chip ho gaya idhar se dent pad gaya hai toot gayi choti si machine kyunki iski plastic body hai jo bhi reason hai whatever said and done I really enjoy my morning coffee to isliye mujhe to ye machine bahut pasand hai. Aapko ye video pasand aayi aur aapka bhi khareedne ka man kara to please like the video, share the video, subscribe to the channel and turn on the bell. Ting tong kuch zyada hi ho gaya but anyway you get the gist. So okay guys, we'll see you next time. I hope you enjoyed the video. So jaate jaate humne Vaishali ki coffee mein thoda sa snap and coffee sprinkle silky hazelnut mila diya. Kaisa lag raha hai? Bas smell karo. Wow yaar. Amazing. Coffee shops ki yaad aa gayi tha. Bas aaj subah bol rahi thi, oh I love Starbucks. Shit.